और ये पार्किंग स्पेस, जैसे ये दो स्कूटी है वो भी ऐसे ही था और ये दोनों भी ऐसे ही था। बहुत मुश्किल था इसको निकालने के लिए, बड़ी मुश्किल से हटाया मैंने। चलिए चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। तो अब हम जाने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल। पापा अभी बहुत मुश्किल से गाड़ी निकाले हैं। हाँ यू आर राइट नाउ। तो अब हम निकाल रहे हैं और मम्मी बता रही है किस तरह से हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी निकलने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, कम ऑन शानद, देखिए मेरा बाबू बड़ा नॉटी। सो वी आर ऑन द रोड नाउ, वी आर गोइंग टू रिफिल द पेट्रोल। गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है, तो पहले पेट्रोल भराएंगे उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे इस काउंटर पर। ₹1000 का हमने पेट्रोल फिल कर दिया है अपनी गाड़ी में। अब हम लोग चल रहे हैं। अभी लाइट पिंक का फ्लावर नहीं है, ये लीफ है। हाँ फ्लावर नहीं होता है, लीफ ही जो है ना वो लाइट पिंक कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर होता है। सिटी के अंदर में है ये टेंपल। सिटी के अंदर से सिटी के अंदर में जा रहे हैं, यानी कि बेंगलोर के अंदर से बेंगलोर के अंदर में जा रहे हैं और टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, 1 घंटे के आसपास लग जाता है ये टेंपल पहुंचने में। और ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, फिर भी हम आपको माइलेज दिखाते हैं इससे निकलने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा है कंजेस्टेड वाला जगह। ठीक है माइलेज दिखाते हैं। डिस्टेंस हो गया 13 किलोमीटर जो लास्ट टाइम हमने रिफ्यूल करवाया था, और जो माइलेज है वो 13.0, 13 किलोमीटर का माइलेज शो हो रहा है। ठीक है, और ये भाई हेब्बल का ट्रैफिक है। बेंगलोर आप लोग मेरे साथ कभी घूमे नहीं है, बेंगलोर भी घूम लीजिए। 1-2 और जो क्लिप होगा उसके बाद हम लोग टेम्पल ही पहुंच जाएंगे। बहुत गर्मी है बाहर में, घर के अंदर मौसम ठीक लगता है, एक पंखे की गर्मी है, 2 नंबर 3 नंबर पे चले ही उतने की गर्मी है। एसी जो है वो लगातार 4 पे चलाना पड़ रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है लेकिन वो नहीं ऑन कर रहा हूँ, वो पूरा एकदम इसको जो है ना पूरा फुल ऑन कर देता है। ये भाई फेमस ट्रैफिक बेंगलोर का फ्लाईओवर के ऊपर भी, और ये हेब्बल है जो बेंगलोर के लोग होंगे वो जान रहे होंगे, बहुत ही फेमस फ्लाईओवर जंक्शन है ये। मल्टीपल डायरेक्शन से फ्लाईओवर का कनेक्टिविटी है यहाँ पे। चलिए चलते हैं। तो बेंगलोर ऐसा भी दिखता है ना, कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है ना, हरे भरे। और यहाँ का टेम्परेचर डेफिनेटली बेंगलोर जैसा ही होगा जैसा बेंगलोर होता है। एक्चुअली में ये उन 4-5 जगहों में से है जहाँ पर अभी भी बेंगलोर का वेदर वैसा ही है जैसा पुराने समय में हुआ करता था, जैसे मल्लेश्वरम हुआ, बीएल सर्कल का एरिया है, कब्बन पार्क है। भाई माइलेज घट के 12.5 हो गया। आफ्टर 18.2 किलोमीटर्स वी आर स्टिल ऑन द वे टू इस्कॉन। बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचेंगे, फिर उसके बाद तो इस्कॉन टेम्पल ही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन फाइनली खतरनाक ट्रैफिक से होते हुए अभी भी लगभग पहुंचने के कगार पे हैं। सामने में है एक और कैगर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेंगलोर का, और फिनिक्स मॉल भी। फिनिक्स मॉल ही है ना? नहीं फिनिक्स नहीं है ना, ओरायन। और यहाँ से हार्डली 300 मीटर्स पे है इस्कॉन टेम्पल।
गंदी वाली ट्रैफिक भाई, गंदी वाली ट्रैफिक। और ये बस जाएगी स्ट्रेट, हमको लेना है राइट, ये एक चैलेंज है, उधर जाना है हमें। तो हमने दिखा दिया है राइट साइड का इंडिकेटर, धीरे धीरे जाएंगे उधर। बस स्ट्रेट इसलिए जाएगी क्योंकि इसको जाना है मैजेस्टिक, ये मुझे मालूम है। रेड कलर की बस है, लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, ये लोकल बस नहीं है, KSRTC की है, बाहर से आई हुई है, जाएगी स्ट्रेट, इसलिए हमें इसके आना था राइट। देखिए एक और KSRTC स्ट्रेट की है और हम जाएंगे अभी इधर राइट। दैट्स ऑल, वी आर अबाउट टू रीच इस्कॉन टेम्पल। और अगर दिख पाएगा तो दूर में वो है इस्कॉन टेम्पल, सून वी विल बी रीचिंग देयर। घूमेगा क्या? बड़ा छोटा सा जगह दिया है भाई एंट्री के लिए। मोबाइल ले जाना वाला होता है ना? नहीं, ले भी गए तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते कुछ ऊपर। हाँ। जूता होता खोल के जाना होगा। ऐसा है क्या? एक मस्त चीज दिखाते हैं, यहाँ पे है काइगर का बड़ा भाई डस्टर, और ये है काइगर एक और अपनी भी एक ये काइगर, एक पूरी काइगर फैमिली है इस जगह। चलो हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए, वो देखिए उधर अगर दिख रहा होगा। और अब हम लोग उतरते हैं अपना स्लीपर पर, इधर ही खोल के जाएंगे, ठीक है? और ये आई एक और डस्टर भाई, डस्टर तो गर्दा सेल हुआ, जम के सेल हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, मैं अभी कार के पास हूँ, कार से जैसे ही दूर में जाऊंगा, फिलहाल तो गेट ओपन है, जैसे ही मैं कार से दूर जाऊंगा ऑटोमेटिकली ये कार लॉक हो जाएगी। मैं दूर जा रहा हूँ और ये कार लॉक हो जाएगी अपने आप, अभी तक नहीं भाई, हाँ लॉक हो गई, और नज़दीक जाऊंगा ये अनलॉक हो जाएगी। मेरे हाथ में की नहीं है, एक हाथ में कैमरा है, और देखिए कैसे अनलॉक हो जाएगा। दैट्स द बेनिफिट ऑफ दैट की। चलेंगे इधर किधर, उधर से जाना है, चलो चलो। ऐसे ये मैंडेटरी तो नहीं लग रहा है ये ड्रेस कोड मतलब, बट एडवाइज्ड। ये इस्कॉन टेम्पल, अंदर में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगा, थोड़ा बाहर से आपको दिखा देता हूँ। हम लोग क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं। तो ये है आउटसाइड व्यू, बाहर का व्यू इस्कॉन टेम्पल के अंदर से। और मेट्रो आती है मैजेस्टिक से, जो मेन बस स्टैंड है यहाँ का बेंगलोर का, वहाँ से आप आराम से आ सकते हैं। और ये इस्कॉन टेम्पल, थोड़ा और उधर जाएंगे तो उधर से अच्छे से दिखेगा। चलिए वही मेन जगह है जिसके अंदर में कृष्ण भगवान की मूर्ति है। ये 108 फुट स्टेप्स है। इतना देर कहाँ लगा दिया? हर एक स्टेप पे बेटा हम लोग भगवान का नाम लेते हुए आ रहे थे। बस अब इसके आगे रिकॉर्डिंग नहीं पॉसिबल होगा। और अंदर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। चलिए चलते हैं। तो दर्शन हो गया कंप्लीट, अच्छा खासा टाइम हम लोगों ने सेंटर में बैठ के स्पेंड किया। और अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट एक डेडिकेटेड रूट के थ्रू होता है, उस रूट में बहुत सारे दुकानें मिलेंगी आपको, जैसे ये सब है प्रसाद
फोटोज, बुक्स, ये सब मिलेंगे। ये समोसा इसके लिए लिया गया, लेकिन ये खाया नहीं समोसा, और मेरी बेटी एक समोसा खाई। ये पूरा फूड कोर्ट टाइप का है टेंपल के अंदर में ही। ये टेंपल के बाहर में एक बार तो मिल ही जाता है प्रसाद। बहुत ही बेहतरीन जगह है समय बिताने के लिए यहाँ पर परिवार के साथ में, और अच्छा सराउंडिंग है। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और वो अपना ओरायन मॉल है, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ बेंगलोर, और ये है मेट्रो। दर्शन हो गया, अब और कुछ दिखाने के लिए इस व्लॉग में रहा नहीं। आई होप कि एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम लोग वापस जाएंगे कार में, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरे बेटे पीछे में है नीचे की तरफ। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द व्लॉग, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। वन मोर टाइगर।